लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का मतदान खत्म हो गया है। ऐसे में थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जहां आपको बता दें कि जिसको लेकर देश भर में पुलिस प्रशासन को काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। पटना के दो लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ है, जिसकी गिनती पटना के एन कॉलेज में की जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पटना के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने मतगणना को संपन्न करवाने और निष्पक्ष शांतिपूर्ण माहौल को लेकर धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बलून जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर भी रोक लगा दी है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया है कि पूरे देश की तरह पटना में भी 4 जून को मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर धारा 144 लगाया गया है। यह धारा पटना की सीमाओं में 5 जून तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान बोरिंग रोड, एएन कॉलेज क्षेत्र जहां मतगणना होनी है, उसको नो ड्रोन जोन और अस्थायी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बलून आदि उड़ने वाली वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गई है। बता दी कि लोकसभा निर्वाचन मतगणना के अवसर पर पूरे जिले में धारा 144 लागू है। इस धारा के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आम स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। 6 जून तक आदर्श आचार संहिता लागू है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के बाद विजयी जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में पदाधिकारी और सीएफ और सीआरपीएफ और डीएपी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। ऐसे जगहों पर लगातार विशेष चौकसी और निगरानी रखी जाएगी। मतगणना या मतगणना के बाद किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष को त्वरित कार्रवाई करना होगा। मतगणना को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पटना के एएन कॉलेज में गिनती होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा टाइट है। पटना का बोरिंग रोड इलाका, एएन कॉलेज का इलाका रेड अलर्ट जोन में डाल दिया है, जहां पर और धारा 144 भी लागू कर दिया गया है कि एक साथ 5 लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।